हेलो गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? देखिए, आज हम लगाएंगे एक और नया प्लांट। ठीक है, विंटर का फ्लावर है गाइस ये भी, जिसे कैलेंडुला कहते हैं। मैं इमेज आपको इसकी दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, ऐसा इमेज है ये। देखिए आप इमेज इसमें देख रहे हैं, कैलेंडुला इमेज इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। जितना ये उतना ही आप खुद ग्रो करेंगे विंटर का फ्लावर, तो ये और भी अच्छा लगेगा गाइस। देखिए गाइस, ठीक है, आप करें तो फ्लावर देखिए जिसमें दिखाता हूँ इसमें। देखिए इसका येलो कलर का इमेजिशन है कि इनके गाइस सीड्स हैं। ये देखिए, देख पा रहे हो आप, ये देखिए इन सीड्स को हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो इन्हें लगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले अपने गाइस सॉइल मिक्स लेने, सॉइल मिक्स मैंने गाइस पहले बना दिया है। ठीक है, ये मैंने और प्लांट्स भी लगाने थे, इसलिए मैंने सॉइल मिक्सर पहले ही बना दिया था गाइस। ठीक है, क्योंकि विंटर का सीजन इतना स्टार्टिंग होने वाला है नॉर्थ एरिया की तरफ, तो इसलिए मैंने ये प्लांट्स लगा दिए थे गाइस। हमने एक छोटा ग्रोइंग पॉट ले लिया है, हम ये अपनी सॉइल डालते हैं। ये ग्रोइंग पॉट है, ये ऐप तरीके से आप इन्हें ग्रो बैग की तरह ही मान लीजिए गाइस। ये वाले हैं जी ग्रोइंग पॉट है, ये सॉइल के बने अपनी चीज से आप नहीं वो देखे होंगे ना, जैसे आपके यहाँ मटके बनते हैं गाइस, वही मटके की तरह गाइस है। ठीक है, बस ये है वो मटका, जैसे ऊपर से साइज में ऐसे बंद होता है, ये गाइस से बंद नहीं होता, बस ये ओपन रहता है। ठीक है, इसमें आप जैसे ही वाटरिंग करते हैं गाइस, ये जो है ये वाले एरिया इसे एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स्ट्रा वाटर को। ठीक है, अब लाइट लाइट तरीके से, मतलब हल्के हल्के, जैसे आपका टाइम होता है, हीट होती है, जैसे ही होती है ये, अगर सॉइल सूखती है गाइस, तो ये जो आपका साइड का ये वाला एरिया गाइस, ये इसे वाटरिंग कर देता है तरीके से। जैसे आपका सेल्फ पॉट काम करता है, वैसे ये भी गाइस काम करता है। ठीक है, नहीं तो आपको मैं इस पॉट बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका और बताता हूँ गाइस। आपके घर पे अगर एक मटका हो, तो उसे आप बीच में से कट कर लीजिए गाइस, उसके हिसाब से भी आप इसे बना सकते हैं घर पे। आपको इजी वे में बताया मैंने पॉट बनाने का। चलिए तो कैलेंडुला फ्लावर लगा लेते हैं गाइस। ठीक है, देखिए हमने सीड्स ले लिए हैं। देखिए, ठीक है, तो हम इन्हें स्प्रिंकल कर देते हैं इन पे ऐसे करके। हल्का हल्का इन्हें गाइस प्रेस कर दीजिए, जिससे सॉइल कवर हो जाए। मैंने सॉइल इसमें सारी डाल दी, चलिए मैं दूसरे को सॉइल ले लेता हूँ। मेरे पे और भी है की सॉइल, ठीक है, आप हल्का सॉइल इसमें डालने के लिए ऊपर से रख लेना, नहीं तो गाइस अगर ऐसी प्रेस हो जाए तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी सॉइल की। ठीक है, ये देखिए, अब हमने ये सीड्स हमने कवर कर दिए है। ये सारे सीड्स कवर करने के बाद अब हम इनमें गाइस वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करते हैं इसमें, देखा। और ये सीड्स आपके गाइस 10 डेज ले लेते हैं अप्रोक्स। ठीक है, 10 डेज अप्रोक्स ले लेते हैं। अगर अच्छी वैरायटी का सीड्स होते तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम भी ले लेता गाइस।
अब हमने इन्हें वाटर में कर दिया गाइस, इसे 10 से 30 के लिए छोड़ देंगे, जिससे अपने आपको वाटर कर लिए। ठीक है ये देखिए अब देख पा लेंगे, देख पानी इसमें नीचे जाने लगा है। ठीक है ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा पॉट, देख पा रहे होंगे, देखिएगा इस ये देखिए एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। ठीक पर इसमें अभी हमने सफिशेंट वाटर डाला है, इसलिए ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा वाटर गाइस। अगर ये ज़्यादा हो जाता है इसे पूरा एरिया वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, धीरे धीरे ये वाटर लूज कर देता है। ठीक है हमने लगा दे, बाकी इसकी जैसे गाइस ग्रोथ आती है जिसमें प्लांट्स आते हैं वो भी मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूँगा गाइस। टेक केयर, बाकी अपना ध्यान रखें, नए नए प्लांट्स लगाते रहें जरूर। देखिए गाइस ये है 2 दिन बाद का रिजल्ट हमारा कैलेंड्यूला का, देखिए आप देख पा रहे होंगे देखिए ग्रोथ आ गई है, 2 दिन में एक ग्रोथ आ गई है, बाकी वो सीड्स अंडर द जर्मिनेशन प्रोसेस है। देखिए जैसे ये बाकी सीड्स का भी जर्मिनेशन आपको जल्दी दिख जाएगा गाइस, ये देखिए 2 दिन में कैलेंड्यूला के सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे।